आज की कहानी हमारे द डिस्कवरी खोज। अफ्रीका में एक किसान थे जिनका नाम था अली हैफेड, जो खुश और संतुष्ट थे। एक दिन उसे एक जौहरी मिला और उसने हीरो के बारे में उसको बताया कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे के बराबर हीरा हो तो आप कितने ताकतवर, कितने शक्तिशाली हो, कि अगर आपके पास एक अंगूठे के बराबर इतना बड़ा हीरा हो तो आप पूरा शहर खरीद सकते हो, मुट्ठी के बराबर हो तो पूरे देश के मालिक बन सकते हो। तो हैफेड जो था वो बहुत पुजारी के जाने के बाद उस रात सो नहीं सका, क्योंकि उसे टेंशन हो गई थी और उसके पास जो कुछ था वो उससे नाखुश हो गया, असंतुष्ट हो गया और पूरी रात सोचता रहा कि अगर मेरे पास कुछ हीरे हों तो मैं कितना अमीर और शक्तिशाली बन सकता हूं। अगली सुबह उसने अपना खेत बेच दिया और अपने परिवार को मैके भेज दिया और हीरे की तलाश में निकल पड़ा। उसने पूरे अफ्रीका की यात्रा की लेकिन उसे कहीं कोई हीरा नहीं मिला। उसने पूरे यूरोप में देखा और उसे कहीं कुछ नहीं मिला। वो थका हारा बुरी हालत से बिल्कुल कंगाल वापस आया और नदी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला किया और उसने आत्महत्या कर ली, नदी में कूद के जान दे दी, मर गया। वहां वापस जिस व्यक्ति ने उसका खेत खरीदा था, वो खेत से एक धारा बहती हुई जा रही थी, उसमें बहुत चमकदार कुछ पत्थर से थे। उस आदमी ने वो पत्थर उठाया और अपने घर में ले गया और उसे सजावट का कुछ सामान समझ के सजा दिया। वहीं जौहरी वापस फिर आया एक दिन मिलने और उसने कहा उन चमकते हुए पत्थरों को देख के कि क्या हैफेड वापस आ गया है। उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, हैफेड तो नहीं लौटा है। तो उसने कहा फिर ये हीरा कहां से आया है। जौहरी ने कहा ये हीरा है। उस आदमी ने कहा नहीं, ये तो पत्थर है जो मेरे बगीचे में नहर बह रही है, उसमें से मैं पत्थर उठा के लाता हूं, वहीं पे पत्थर मुझे मिला है। जौहरी ने सुना और उसने तुरंत घोषणा की कि ये एक हीरा है, मैं हीरे को अच्छी तरह से जानता हूं। अब आप समझिए मॉरल क्या है। हमारे पैरों के नीचे, जमीन के नीचे, हमारे आसपास ही सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे मौके होते हैं, बट हम देख नहीं पाते और हम नाशुक्री करते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे पास जो बहुत सारी वैल्यूबल चीजें होती हैं वो भी वेस्ट हो जाती हैं। दोनों एक ही बगीचे में काम कर रहे थे लेकिन वो खोजने के लिए पूरी दुनिया में खोज के आया, उसको नहीं मिला, उसने वही बगीचे में खोज लिया, है ना। तो किसान को जिस धन की वास्तव में आवश्यकता थी वो पहले से ही उसके पास था, लेकिन जो उसके पास था वो उसका सम्मान नहीं करता था। इसके अलावा अधिक चाहना गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है उसे पहचानना या अनदेखा करना भी बहुत ही बड़ी मूर्खता होती है। कॉर्पोरेट जगत को सबक क्या है, लेसन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अपने वर्तमान संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें और फिर अधिक के लिए बाहर देखें। कई बार हमारे पास जो कुछ होता है उससे कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत वैल्यूबल चीजें हैं, हमारे पास लोग हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश करते हैं और लालच होता है हमारे अंदर तो हम उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट स्टोरी में।